Hello learners, this is our quiz class 1 for paper 1 UGC at NTA NET. देखिए हमने एक न्यू सीरीज़ प्रीवियस ईयर सीरीज़ स्टार्ट की है. सो अभी हम स्टार्ट करें ईयर 2006 से. ईयर वाइज हम क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे. सो ये पेपर 1 के लिए है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1, देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल हैं, बट जो मैं रीड करूँगी वो सिर्फ इंग्लिश में रीड आउट करूँगी. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन ज़रूर रीड आउट कीजिए और फिर अपने माइंड में सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए, देन अपना आंसर जो है वो वीडियो में देखिए. ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? ए ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बी क्वेश्चनिंग, सी एक्सप्लेनिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव. देखिए जो टीचिंग स्किल होती है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है. ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑब्वियसली अगर टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग. टीचर जो है वो अपना लेसन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस अगर टीचर बच्चों से करती है तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल. एक्सप्लेनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टीचिंग स्किल. अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है कंटेंट को तो वो भी एक टीचिंग स्किल है. सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? आपको इन चारों में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट है. एक चीज़ याद रखना, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी अप्रोप्रिएट लग सकती है आपको, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है इसमें. ए टीचर्स कैन टीच, बी टीचर्स कैन हेल्प क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न, सी लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग लर्निंग, डी टीचर्स आर बोर्न. देखिए फर्स्ट एंड लास्ट देखिएगा, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज टीचर्स कैन टीच. ऑब्वियसली टीचर्स जो हैं वो पढ़ाएंगी, वो तो उनका काम है पढ़ाना. नेक्स्ट टीचर्स आर बोर्न, क्या टीचर मतलब पैदा होते ही पता चल जाते हैं टीचर बनेगा? ऐसा भी नहीं है. सो टीचर्स कैन हेल्प क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न, मीन्स टीचर जो है वो स्टूडेंट के अंदर एक लर्न करने की डिज़ायरनेस जो है वो क्रिएट करती है. और सी क्यों एलिमिनेट होगा? देखिए जो लेक्चर मेथड है वो थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है. लेक्चर मेथड जस्ट डिक्टेट करती है, जो लेक्चर देती है एक टीचर, तो इसमें थिंकिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है. और सो आवर राइट आंसर इज बी, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट के अंदर एक लर्निंग डिज़ायर को जो है वो क्रिएट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, बी सिलेबस इज एन एनेक्सर टू करिकुलम, सी करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, डी सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. देखिए वन बाय वन मैं आपको इसके ऑप्शन समझाती हूँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन. हमें बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट इज सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक पार्ट है, करिकुलम का ही एक हिस्सा है. सेकेंड जो सिलेबस है वो इट इज़ एनेक्सर टू करिकुलम. एनेक्सर मीन्स होता है कि उसका एक एडिशनल पार्ट है, मीन्स अलग से एक पार्ट है करिकुलम का सिलेबस जो है. थर्ड कहते हैं कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें सेम करिकुलम होता है. नेक्स्ट इज सिलेबस जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस में, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके सारे इंस्टीट्यूशंस में सिलेबस जो है वो सेम नहीं होगा. देखिए पूरी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स का एक ही सिलेबस होता है, डी एलिमिनेट हो गया है यहाँ पर. करिकुलम जो है वो सेम नहीं होता हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करिकुलम अलग हो सकता है. नेक्स्ट इज करिकुलम जो है वो सिलेबस से एक वाइडर टर्म है, सिलेबस से ज़्यादा बड़ा टर्म है करिकुलम. और सिलेबस जो है वो एक पार्ट होता है करिकुलम का, मीन्स उसका एडिशनल पार्ट नहीं होता, एक उसी का ही करिकुलम का ही एक पार्ट होता है. सो राइट आंसर इज ए, सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी? इनमें से कौन सा मेन टास्क है मॉडर्न सोसाइटी का, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी में से. ऑप्शन 1, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स,
to write a critique on the earlier writings, to systematically examine and critically analyze the investigations or sources with objectivity. देखिए first है कि आपका जो knowledge है, knowledge base को advance करने के लिए, enhance करने के लिए research किया जाता है. Next is नई things को discover करने के लिए research किया जाता है. Third, किसी की writings, जो already किसी की writings हैं उसको हम criticize करते हैं उसको उसकी हम निंदा नहीं करते, criticize नहीं करते उसको. तो थर्ड जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया. फर्स्ट एंड सेकंड तो है, हमारी एडवांस करता है नॉलेज को ये, और हमारी जो जो नई नई थिंग्स हैं उनको डेवलप करता है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कहता है, टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन. ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज करके हम रिसर्च करते हैं, सिस्टमैटिकली रिसर्च करते हैं. सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. थर्ड हमारा एलिमिनेट हो गया बिकॉज हम किसी की भी राइटिंग्स को क्रिटिसाइज नहीं करते अपनी रिसर्च में. नेक्स्ट इज यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाया है, सो इसको इंग्लिश में ही रीड कीजिएगा. इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसका आपको आंसर देखना है. नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट फोकस्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यूज. सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का देखिए, इसको फर्स्ट पॉइंट जो है वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच है. सेकंड पॉइंट में लिखा है अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. थर्ड इज़ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन. देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वो होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ वो होते हैं जिसका क्वेश्चन जो है वो पहले से ही डिटरमाइंड है. देखिए इसका आंसर पहले ही शो हो गया है, कोई नहीं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीडिटरमाइंड होते हैं. नेक्स्ट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड कौन से होते हैं, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच. दैट मीन्स उसके क्वेश्चन जो है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं ऑन द सिचुएशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसके क्वेश्चन जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. नेक्स्ट इज़ फोकस्ड इंटरव्यूज़, इसका क्या है, अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मींस कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो फोकस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब क्वेश्चंस को फोकस किया जाता है. क्लिनिकल इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड. सो राइट आंसर इज ए. द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की गहराई को हम किससे समझ सकते हैं, टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च या ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, सबको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है. सो आवर राइट आंसर इज बी. जैसे ही हमें अगर ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए किसी रिसर्च के, तो हम उसकी डेप्थ को जो है वो ईजिली एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. देखिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वो होती है जो कोलैबोरेटिव तरीके से की जाती है, वेरियस इंडिविजुअल्स मिलके रिसर्च करते हैं इस पे और वेरियस डिसिप्लिन्स में रिसर्च करते हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, मींस वेरियस डिसिप्लिन्स को एक साथ हम रिसर्च कर रहे हैं. सो इसका मेन एम क्या है, क्या टास्क है इसका, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, टू रिड्यूस द एम्फेसाइज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन. देखिए सेकेंड तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज सिंगल सब्जेक्ट पे हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, इस पर इंटरडिसिप्लिनरी है, दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं. टू ओवर सिंप्लीफाई प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च जो है उसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं. टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी में एक नया ट्रेंड लाने के लिए. हमारे यहाँ राइट आंसर होगा ए, बिकॉज हम यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच देख रहे हैं, मतलब एक ओवरऑल अप्रोच देख रहे हैं, हम एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में. सो आवर राइट आंसर इज ए. वन ऑफ द एम्स, क्वेश्चन नंबर एट, वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च. देखिए साइंटिफिक मेथड जो होता है रिसर्च में उसका क्या एम है, फर्स्ट इज इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, सेकेंड एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस, थर्ड कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, फोर्थ इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स.
देखिए साइंटिफिक मेथड जो होता है रिसर्च का, उसमें हमें ये देखना होता है, देखिए उसमें हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है क्या उसमें रिलेशन है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। मतलब हमने जो एंटिसिपेट किया था क्या हमारा रिज़ल्ट उससे अलग आया है या वो सेम आया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पूरियस रिलेशंस, जो वेरियस रिलेशन होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो सेम आए, हम ये कोशिश करते हैं। तो हमारा जो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च है इसका मेन एम क्या है, स्पूरियस रिलेशंस को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट इज, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिवन ऑप्शंस इज ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए फर्स्ट है डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन कीजिए। सेकंड इज डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। देखिए हमारे थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वो देखिए मेमोरी लेवल में तो हम रोट लर्निंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो इसमें से अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो डिफाइन नाउन तो ये हो गया कि आप रोट लर्निंग से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बट अगर डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स की बात की जाए तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है कि आप कितना उस टॉपिक को समझे हो। सॉरी, सो इस इट्स ऑप्शन इज बी, मीन्स अपनी लैंग्वेज में अगर नाउन को डिफाइन करना है वो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताता है। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट्स इज नोन एज। ये पूछ रहा है कि जो मास कम्युनिकेशन है उसका फंक्शन क्या है, मीन्स जब हम उसमें वेरियस इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं रिलेटेड टू इशूज़, इवेंट्स, सोसाइटल डेवलपमेंट्स, तो उसका फंक्शन क्या होता है, कंटेंट को सप्लाई करना, जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है उसका सप्लाई करना इन वे ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो राइट आंसर इज ए। आई होप आपको ये ऑल द 10 क्वेश्चंस समझ आए होंगे। सो थैंक यू लर्नर्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस इनिशिएटिव एंड दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड एनी सजेशंस प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।